हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति से संबंधित सभी सूत्र किस तरह से आप एकदम ही आसान तरीके से बना सकते हैं, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था दोस्तों। तो आप वहाँ जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि त्रिकोणमिति अनुपात सारणी या जो टेबल है उसे कैसे आप एकदम 5 मिनट के अंदर बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ अध्याय 9 को हल करने के लिए जो भी आपको त्रिकोणमिति अनुपात की ज़रूरत पड़ेगी उसका मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से टेबल बना लीजिए, देख लीजिए एक बार टेबल को। ऐसा आप एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो टेबल बनने के बाद इस साइड साइन, कॉस, टैन, कॉट, उसके बाद सेक, कॉसेक, इस तरह से। और इस तरफ हमारे कोण रहेंगे 0, 30, 45, 60, फिर 90। तो सबसे स्टार्टिंग आपको एकदम आसान ट्रिक दोस्तों, आप कभी नहीं भूलोगे, गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप ये 0 डिग्री में यहाँ पर 0 लिखिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके नीचे 4, सभी के नीचे 4 4 लिखिए, ठीक है। सभी के नीचे 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब सभी को वर्गमूल लगा दीजिए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ठीक है। सभी को स्क्वायर रूट लगाएंगे, उसके बाद उसका जो मान आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब 0 को 0/4 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही आएगा। तो हमारा sin 0 कितना आएगा, 0, ठीक है। उसके बाद 1/4 का स्क्वायर रूट। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसलिए ये साइन का 30 अंश कितना आएगा, 1/2। अब देखो दोस्तों, 2/4, तो 2 आप देख लीजिए, इधर मैं करके दिखा देता हूँ, 2/4, तो ये पहले क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, और 2 दोने 4, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर रूट तो आपका 1 ही होगा, और 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद इसका 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, तो √3, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, ठीक है। तो sin 60 का क्या मान आएगा, √3/2, और 4/4 इसका आंसर 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। तो दोस्तों बस अब आपका काम यहाँ पर हो गया है, आप सिर्फ साइन का आपको बनाते आना चाहिए, बाकी सब जो मैंने पिछले वीडियो बनाया उसमें जो सूत्र लिखवाए उसके हिसाब से पूरे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आपको बस ये बस ध्यान में रखना है, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 सबके बटे में 4 लिखना है, सबका स्क्वायर रूट करना है, और जिसका मान आएगा उसको लिखते जाना, बस आपका काम यहीं पर हो गया है। अब देखिए कितनी आसानी से बनेगा। अब कॉस के लिए ये जो इधर से जो है वो इसका जो 90 है वो इधर 0 आएगा, इधर के सब चीज़ यहाँ पे आते जाएंगे, जैसे कि इसका ये जो 1 है यहाँ पे आएगा, √3/2 यहाँ आएगा, और ये इसके नीचे ऐसे ही आएगा, और 1/2 यहाँ पे आएगा, और ये 0 यहाँ पे आएगा। अब टैन दोस्तों मैंने आपको बताया था, टैन कब आता है, टैन जो आता है वो देखिए इधर, टैन जो आएगा वो क्या होता है, sin/cos होता है। आपको अगर नहीं पता हो ये सब सूत्र तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो देखिए, तो sin/cos होता है, तो साइन तो 0 है, 0/1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0/ हम लोग 1 करेंगे तो किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग देंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 √3/2,
तो कैसा होगा दोस्तों, इधर देखिए मैं बता रहा हूँ, एक बटे दो फिर बटे में रूट तीन बटे दो, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको गुना में जाएगा तो दो रूट तीन, तो दो से दो ख़त्म, क्या बचा दोस्तों, एक बटे रूट तीन, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, दो से दो कटेगा, एक बटे रूट तीन आएगा, ठीक है। हम टैन के लिए क्या कर रहे हैं, साइन बटे कॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना आप, क्योंकि ये सूत्र है, टैन का मान निकालने के लिए हमको साइन बटा कॉस करना होता है। अब देखिए एक बटे रूट टू, एक बटे रूट टू, इसको अगर बटे में करेंगे तो ये दोनों समान समान है, तो ये एक आएगा, इसका आंसर भाग हो जाएगा, ठीक है। रूट तीन बटे दो, अभी देखो जैसे कि इसको हमने किया था वैसे इसी को और करेंगे तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, रूट तीन, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा, रूट तीन। और एक बटे जीरो, तो आप सभी को पता है कि हम जीरो से किसी संख्या को भाग नहीं जाता है, तो इसीलिए ये क्या रहेगा, अपरिभाषित रहेगा, ठीक है, अपरिभाषित रहेगा ये, ठीक है। अब इधर आइए दोस्तों, अब कॉट जो होता है टैन के एक बटे होता है, एक बटे मतलब उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित यहाँ पे आएगा, अपरिभाषित, ठीक है, रूट तीन यहाँ आएगा, एक यहीं पर रहेगा, एक बटे रूट तीन यहाँ आएगा, ठीक है, और जीरो यहाँ पे आएगा, समझ आया। उसके बाद सेक, सेक जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपको पता है एक बटे कॉस होता है, ठीक है ना, सेक जो होता है एक बटे कॉस होता है, तो कॉस के ऊपर में मगर यहाँ पे अगर एक लिखूँ, पहले ही एक है तो एक का एक कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे एक ही आएगा, एक से एक का भाग जाएगा। अब इसका एक बटे, एक बटे मतलब व्युत्क्रम, इसको अब इस ये दो जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, दो ऊपर रूट तीन नीचे आएगा, व्युत्क्रम होगा, एक इसके ऊपर एक बटे और करेंगे तो ये रूट टू ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, तो एक नीचे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सभी संख्याओं के नीचे में एक होता ही है, ठीक है। और ये दो ऊपर जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर अगर एक लिखे एक बटे जीरो, तो जीरो से किसी भी संख्या को हम लोग भाग नहीं दे सकते, इसलिए अपरिभाषित रहेगा, अपरिभाषित रहेगा, ठीक है। अब कॉसेक जो होता है, कॉसेक ये इसका ये जो यहाँ आया है वो यहाँ पर आएगा, कॉसेक का जो 90 अंश है वो जीरो अंश के लिए आएगा, तो ये होगा अपरिभाषित, ठीक है। रूट टू मतलब ये दो यहाँ आएगा, रूट टू आएगा, दो बटे रूट तीन यहाँ आएगा और एक यहाँ पर आएगा। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से ये आप बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, आपके एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको सिर्फ साइन का बनाना है, साइन एक बार आपने बना लिया तो फिर बाकी के सब अपने आप बन जाएंगे। और इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको सूत्र पहले पता होना चाहिए, उसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से ये बना सकते हैं, सबसे पहले जीरो जीरो बटे चार करना है आपको, सभी को चार से भाग देना है, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करना है, फिर जो मान आएगा लिखते जाइए, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, आपके नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।